बंद मकान से नकदी तथा गहने चुराकर पुलिस की नींद उड़ाने वाला सेठमार अमोल राउत क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है। गुट्टीपुरी पुलिस की मदद से अमोल को गिरफ्तार किया गया। उससे 35 लाख के गहने तथा नकदी सहित 44.61 लाख का माल बरामद किया गया है। बोरकुटे लेआउट गुट्टीपुरी निवासी अमोल पर पहले भी 15 केसेस दर्ज है। वह गुट्टीपुरी में टेलर का काम करता है। वह दोपहर को कपड़ों की सिलाई और रात में चोरी करता था। वह शाम 7 बजे से रात 2 बजे के दौरान रिहायशी कॉलोनी में घूमकर बंद घरों की खोज करता था। फिर रात 2 बजे के बाद दोपहिया से चोरी के लिए आता है। सीसीटीवी लगे होने पर पहले डीवीआर चोरी करता है, इसके बाद गहने तथा कीमती सामान चुराता है। डीवीआर को नाले में फेंक कर भाग जाता है। नवंबर में महज 21 दिनों में सेधमारी की 55 और चोरी की 141 घटनाएं हुई है। दिवाली की छुट्टियां होने से लोग बाहर गए हैं। इससे सोनेगांव, प्रताप नगर, अजनी, हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में चोरी तथा सेधमारी की घटनाएं बढ़ गई है। ऐसे में क्राइम ब्रांच और सभी थानों को सतर्क किया गया था। अमोल बुधवार को गुट्टीपुरी में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। एक स्थान पर चोरी करने के दौरान लोगों को वह नजर आया। पकड़े जाने के भय से वह दोपहिया छोड़कर भाग निकला। गुट्टीपुरी पुलिस ने दोपहिया की तलाशी ली तो उससे गहने तथा नकदी सामान मिला। अमोल पेशेवर अपराधी होने से पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी। वहां से भी नकदी तथा गहने मिले। इसका पता चलते ही क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 हरकत में आई। PI सुहास चौधरी ने साथियों की मदद से गुरुवार शाम अमोल को दबोच लिया। उसने प्रताप नगर तथा सोनेगांव थाना परिसर में 10 घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। यहां से चुराए गहने तथा नकदी गुट्टीपुरी पुलिस के पास है। जांच में अन्य घटनाओं का भी पता चल सकता है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पुलिस दल को 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यह कार्रवाई DCP मुक्का सुदर्शन के मार्गदर्शन में की गई। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।